आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है आपके सामने हो रहा है, यहाँ पे उस टाइप का अर्घ यहाँ पे होता है शाम को, सूर्य अस्त होने लगता है उसके बाद। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। मेरा नाम है मुकेश सिंह और स्वागत करता हूँ हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आप जान रहे हैं आज छठ है, छठ का फर्स्ट डे है। तो हम लोग आज पहुँच गए हैं जो अमानत पुल है वहाँ पे, जो छठ बनता है वहाँ पे। तो गाइस चलिए यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। गाइस तो पूरी हमारी फैमिली मेरे साथ आई हुई, आप देख सकते हैं श्रीजा और सानवी भी आपको दिखेगी और हमारा लक्षराज भी आपको साथ में दिखेगा। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आपको छठ का व्यू भी दिखाते हैं डालीगंज का। तो गाइस देख सकते हैं कुछ अंदर का व्यू उस टाइप का है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का कुछ इन्वायरमेंट। और आने जाने वाले वास्ते भी बड़े बड़े हों ताकि लोग आसानी से आ जा सके। सेवा से आगे कृपया कृपया ध्यान ना रहे जो शाम का अर्घ होता है उसके बाद जो लेडीज जो होती हैं जो छठ किए होते हैं वो लोग पहले सूर्य भगवान का अर्घ देते हैं, उसके बाद जल को अपने ऊपर छींटते हैं। गाइस साउंड थोड़ा सा कम आ रहा होगा कि बहुत जोर की आवाज़ हो रही है यहाँ पे। काफी दूर में छठ घाट फैला हुआ है, काफी क्राउड लगा है यहाँ पे, थोड़ा साउंड कम आए क्योंकि लाउड स्पीकर बजते रहता है यहाँ पे। और आपको नजदीक से पुल दिख रहा होगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है आपके सामने हो रहा है, यहाँ पे उस टाइप का अर्घ यहाँ पे होता है शाम को, सूर्य अस्त होने लगता है उसके बाद। टोटल कुछ 5 बार घूमते हैं गाइस। देख सकते हैं काफ़ी दूर में फैला हुआ छठ घाट यहाँ पे अमानत पुल का, काफ़ी पुराना है, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, इस कारण से हमारा साउंड आप लोगों को जा नहीं रहा होगा। तो भाई देख सकते हैं काफ़ी दूर में फैला हुआ है, ये लास्ट एंडिंग है, आपको दिख रहा है वो रेलवे ट्रैक यहाँ के नीचे और इस साइड पूरा काफ़ी लंबा स्पेस में अमानत पुल का छठ मनाया जाता है। काफ़ी पुराना पर्व है यहाँ पे, काफ़ी लोग जमा होते हैं, आप देख सकते हैं पूरा क्राउड है यहाँ पे। आपको रोड का भी व्यू दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी क्राउड है यहाँ, कार लाने में काफ़ी मुश्किल हुई यहाँ पे। आप देख सकते हैं छठ घाट पे कुछ नए छोटे छोटे दोस्त मिले हमारे जो कि हमारे YouTube चैनल का नाम पूछ रहे हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे छठ घाट का ये भी इन्जॉय करते गाइस। तो मेरे को ब्लॉग बना के देख करके एक्सपायर होकर मेरे से पूछना है कि इन लोग कहना है कि ब्लॉग जो बनाते हैं लोग उनको शर्म लगती है कि नहीं। मेरे को शर्म क्यों लगेगी गाइस, मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोगों को देखता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ गाइस। आई होप वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करते रहिएगा ब्लॉग पे बने। सो गाइस देख सकते हैं काफ़ी दूर में फैला है यहाँ पे अमानत नदी जो कि काफ़ी दूर में छठ मनाया जाता है गाइस। काफ़ी पुराना पर्व है और झारखंड में और यूपी में और बिहार में ये पर्व मनाया जाता है ज़्यादातर। तो मैं रहता हूँ विशाखापट्टनम में, उधर तो शायद होता ही नहीं है गाइस। तो मैं अभी यहाँ पे अपने घर पे हूँ। तो गाइस मैंने सोचा कि आज है छठ का पहला अर्घ का दे, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी ब्लॉग बना के दिखाऊँ गाइस। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ होता है यहाँ। तो आप देख सकते हैं अभी लास्ट कॉर्नर जो यहाँ पे आपको दिखाया मैंने, जो रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा है ऊपर में, ये लास्ट कॉर्नर है, ये अंत हो गया, इसके बाद छठ नहीं हो रही इधर क्योंकि इधर बालू नहीं है। और यहाँ से आपको दिखेगा पूरा काफ़ी लंबा में गाइस। तो काफ़ी
दूर एरिया में होता है गाइस यहाँ छठ पर, तो आप लोग भी देखिए इंजॉय करिए और जरूर ब्लॉग अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा गाइस। तो चलिए आप लोग और कुछ दिखाते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं कुछ पूजा इस टाइप का होता है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा सामने सूर्य भगवान को जल देते हैं, बच्चे लोग भी नहाते हैं यहाँ पे नदी में। थोड़ा देर में काफ़ी भीड़ और बढ़ता है गाइस, तो जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे और भीड़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। देख सकते हैं कुछ इन्वायरमेंट शायद हमारा साउंड थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे। सो गाइस फाइनली अब जो छठ का जो लास्ट अर्घ था वो हो गया, हम लोग घर के लिए निकल गए, काफ़ी क्राउड था इस कारण से हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। आई होप आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। हम लोग देखिए गाइस पूरी फैमिली, हमारा भाई भी आप लोग दिख रहा होगा, हमारी बहन पीछे और सुजा सानू सब पीछे आपको दिख रही होगी। तो आज की ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप वीडियो अच्छी लगी, जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि इस टाइप का ब्लॉग आपको मिलता रहे। तो गाइस आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो गुड बाय।